श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक उपाय है जो आपको बुधवार की अष्टमी के दिन करना है। बुधवार की अष्टमी के दिन यह उपाय बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन गणेश भगवान का दिन भी होता है और आपके समस्त रोगों के निवारण के लिए इस उपाय को करना है या फिर किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में क्या क्या सामग्री लगेगी, किस समय करना है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है। आप इस वीडियो को अवश्य सुन लीजिएगा पूरा, चाहे तो नोट करके भी रख सकते हैं। महापुराण के दौरान ये उपाय बताए जाते हैं और हम अपने चैनल के द्वारा आप तक पूरी डिटेल में इन उपायों को बताते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। आइए जान लेते हैं इसमें क्या सामग्री लगेगी और ये बुधवार की अष्टमी के दिन करना है। साल में जब भी बुधवार के दिन अष्टमी पड़े इस उपाय को अवश्य कर लें। यदि कोई गंभीर बीमारी से भी जूझ रहा है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस उपाय को करके अपनी समस्या का समाधान निकाल पाए। इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है, अष्टमी तिथि को। इस बार अष्टमी तिथि और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, तो आपको सुबह सुबह करना है 8-9 बजे के बीच में। तो देखिए, सफ़ेद दुर्वा ले लेनी है हमें। तो देखिए, कई प्रकार की हरी दुर्वा भी आती है और सफ़ेद दुर्वा भी आती है। जिसकी डंडी सफ़ेद होती है वह सफ़ेद दुर्वा कहलाती है। बिल्कुल इस तरीके की छोटी छोटी दुर्वा होती है, सफ़ेद डंडी वाली दुर्वा ले लेनी है आपको। और 41 दुर्वा आपको ले लेनी है। अच्छी तरह धो लेने के बाद में उस दुर्वा को आपको पूजा पाठ करते समय भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करना है। 41 दुर्वा की आप गठरी बना लें या फिर आप वैसे ही इकट्ठी की इकट्ठी गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। यह उपाय आपको सुबह के समय पूजा के दौरान करना है, 9 बजे से पहले करना है इस बार की अष्टमी में, या फिर आप जब भी कोई भी अष्टमी पड़ रही है बुधवार के दिन, तो आप मुहूर्त देखकर ही इस उपाय को करें। किस समय से अष्टमी तिथि शुरू होती है उस समय से आप यह उपाय को कर लें। पूजनीय पंडित गुरु जी के बहुत से ऐसे उपाय हैं जो हमने अपने चैनल के द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए, दुर्वा आपको कहीं भी मिले आप ले आइएगा। खास उपाय तो यह है कि दुर्वा आपको किसी कुएं के आसपास से लेनी है, लेकिन कुआं आपके घर के आसपास नहीं है तो आप चिंता ना करें। जहां से भी आपको ये दुर्वा मिल जाती है सफ़ेद वाली, वह ले लें और आप यह उपाय अवश्य कर लें। आपके समस्त रोग दूर होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएँ भी पूर्ण होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।